गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के 10 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी में, जिनमें से 5 क्वेश्चन व्याकरण के और 5 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। देखते हैं आपके कितने सही निकलते हैं। पहला क्वेश्चन, शिथिलता शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक। इसका राइट आंसर होगा भाववाचक। शिथिलता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, सिनेमा शब्द है सिनेमा, क्या स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द है या ओवेलिंग शब्द है? दोस्तों, सिनेमा देखा जाता है या देखी जाती है? सिनेमा देखा जाता है। जिस शब्द के बाद में आ या ए आता है वहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता है, और ई आता है वहाँ स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो इसलिए यहाँ पुल्लिंग शब्द होगा, सिनेमा देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदबंध का प्रकार नहीं है? पदबंध का प्रकार नहीं है, संज्ञा पदबंध, काल पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, काल पदबंध नहीं है। अगर पूछ जाए पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है, योग अभ्यास का संधि विच्छेद तथा संधि युक्त सही विकल्प है। योग धन अभ्यास विसर्ग संधि, योग धन अभ्यास गुण संधि, योग याग धन अभ्यास यन संधि और योग धन अभ्यास दीप संधि, ये योग ही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा योग धन अभ्यास दीर्घ संधि। योग धन अभ्यास दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान होती है ए प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर ई, ई प्लस ई बराबर ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ओ। अगला क्वेश्चन है, कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है, कपड़े की सिलाई खुल जाना, कपड़े की कलाई उतारना, रहस्य का प्रकट हो जाना, कली का खिलकर फूल बन जाना। इसका राइट आंसर होगा रहस्य का प्रकट हो जाना, कलाई खुलना, उसके रहस्य खुल जाना, कलाई खुलना मुहावरे करता रहस्य खुल जाना। शिक्षण विधियों में से पहला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामांकरण किसने किया? क्या डीवी ने किया या कीथ ने किया या एलिन ने किया या स्किनर ने किया? इसका राइट आंसर है एलिन ने। एलिन ने सूक्ष्म शिक्षण का क्या किया, नामांकरण किया था। अगला क्वेश्चन, पठन कौशल का सही अर्थों में विकास किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक, पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर। पठन कौशल का सही अर्थों में विकास किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर। अगला क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, इनमें से कौन सा नहीं होता है? माइक्रोफोन नहीं होता है, मोबाइल फोन नहीं होता है, टेप रिकॉर्डर नहीं होता है, वीडियो रिकॉर्डर नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा मोबाइल फोन। और ये भी आप कमेंट में बताना कि माइक्रोफोन कौन सी सामग्री है, टेप रिकॉर्डर कौन सी सामग्री है, वीडियो रिकॉर्डर कौन सी सामग्री है, ये चीज़ आपको बतानी है। और आपको ये भी बताना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा मूल्यांकन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर साक्षात्कार सूची, जांच सूची, अवलोकन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा अवलोकन। अवलोकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मूल्यांकन की दृष्टि से अवलोकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान पोर्टफोलियो रखता है। क्या रखता है? पोर्टफोलियो रखता है। दोस्तों, आज के 10 क्वेश्चन हुए, 10 में से आपके कितने सही निकलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा, इनके बारे में भी आपको कमेंट में बताना है, ये क्या होती है मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। धन्यवाद दोस्तों।